And welcome back to my channel. So today's video is a little bit different because this is the first time I'm gonna vlog. And today I'm gonna vlog my whole experience at Affinity Salon, which is in DLF Mall of Noida. And I'm going, I was just thinking to change something because there are things that are happening recently in my life. And I just wanted to change something, so I decided I should go for a hair color. Maybe, I'm not really sure. I'll see. I'm going to DLF today, and I'll see what I have to do. And so yeah, I just thought I should take you guys with me along. Yeah, I'll see you guys when I reach there. Because I went to shopping and I ate a lot, so all my lipstick is gone. And I am with Isha, she's manager in the branch DLF in Delhi. She's Isha and she's an amazing person. I know her personally. So I am here for my hair. I want to transform my hair. So can you know? Advise someone. Sure. Please come. Hi. We will assist you, and it will going to take 3 to 4 hours. So enjoy, have fun. So guys, as Isha introduced us to Mohit, he will do my hair today, and he is the hair technician or hair expert in Affinity. So this is Mohit. So Mohit, what you are going to do on my hair today exactly? क्या करोगे आप मेरे बालों पे यार? आपके बालों में जो हम कलर करेंगे वो दो टेक्निक को एक मिला के करा गया है. जो पहले एक हमारा स्टार्टिंग में आया था हाईलाइट्स, उसके बाद आया फिर मार्केट में न्यू ओम्ब्रे. अब जो लेटेस्ट आया है वो है बैलेयाज. बैलेयाज में क्या हो, ओम्ब्रे और हाईलाइट्स को मिक्स कर देता है. उसमें तीन टेक्निक को हमने एक में इंक्लूड करा हुआ है, जो हमारी हमारे मतलब एफिनिटी से एक्सक्यूज मिला हुआ है. So guys, this was all about what he's going to do on my hair, and he was saying it is the technique of balayage and ombre mixture and everything. So let's see how it goes. और ब्रश का आप बता रहे थे, ब्रश का क्या बता रहे थे? ब्रश को मैंने अपने पहले आज के लिए बीच शेप का चाहिए होता है, मतलब पॉइंटेड ब्रश. अच्छा,
राउंड या स्क्वायर ऐसा कोई ब्रश इसमें काम नहीं कर पाएगा। तो अभी जो आप अभी कर रहे हो उसके बाद भी कुछ होगा? हाँ, कलर लाइट होगा फिर कलर डिपॉजिट भी होगा। अभी ये जो आपने लगाया है कलर, इससे क्या होगा? जो अभी मैंने इसके बाद जो वॉश हो पहले कलर को लाइट करेगा, लाइट करने में क्या होगा जो हमारा जो नेचुरल शेड है ना, तीन से चार नंबर का है, इसे हम कहते हैं लाइट मीडियम ब्राउन एंड डार्क ब्राउन। इसमें क्या होगा ना, डार्क का भी लाइट को काटता है लाइट कलर, इसलिए हमें फर्स्ट पहला करना सिर्फ प्री लाइटिंग। ये प्री लाइटिंग है जो हमें कलर है हम प्री लाइटिंग हो, जिससे क्या होगा हमें डार्क कलर है ना वो कटना स्टार्ट हो जाएगा, कलर से कलर कभी नहीं करता। अच्छा, तो हम नेचुरल शेड करते हैं तो इसके ऊपर आप वो वाला कलर करोगे जो हमने आपको शेड अब चॉइस कराया था, तो उसके बाद करेंगे जब फाइनल होने के बाद टाइम कॉस्ट होगा। तो यहाँ से जैसे मुझे डार्क चाहिए था तो यहाँ से डार्क हो जाएगा ना? तो ऐसा तो नहीं वो कलर धुल जाएगा और बस यही रह जाएगा? वॉश नहीं होता ना, जैसे रेड करवाओ तो वॉश हो जाता है। जो वॉश आउट वाले कलर होते हैं वो रेड होता है, ब्लू होता है, ग्रीन, गोल्ड, गोल्ड आता है, मतलब जितने भी हम कलर करते हैं ना इसके करने के लिए फर्स्ट हमारा यही होता है वो वॉश हो जाते हैं, फिर उसके लास्ट जैसे रेड कलर होता है वो जल्दी वॉश आउट होता है। अब ग्रीन, ब्लू, येलो ये कराओगे तो वॉश आउट जल्दी जाएगा, ये भी खास है। तो जो अभी आप करोगे वो नहीं होगा ना वॉश? जल्दी वॉश आउट होगा, ये आपका रहेगा कम से कम बन जाता है, कट के साथ में निकलते आने का हाईलाइट्स वाले जो। अच्छा ठीक है, जो आपने कलर दिया है ये परमानेंट कलर है। अच्छा ठीक है।